लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं, जहां देश में तीसरी बार बीजेपी और उसके घटक दल बहुमत मिल जाने के बाद केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वही उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर तीसरी बार बीजेपी के ही प्रत्याशी जीत कर आए हैं। उत्तराखंड की जनता ने आखिरकार तीसरी बार बीजेपी पर भरोसा जताया है। वही नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। वही जीत के बाद अजय भट्ट ने नैनीताल लोकसभा सीट की जनता का हृदय से आभार जताया, तो वही लोकसभा की जनता को भरोसा दिलाया कि उनके पिछले कार्यकाल में जो भी विकास के कार्य छूट गए हैं, अब उनको दुगनी रफ्तार से पूरा किया जाएगा। अजय भट्ट ने कहा कि देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीसरी बार भरोसा दिखाया है, जो दिखाता है कि देश की जनता सिर्फ मोदी जी पर भरोसा करती है। नैनीताल लोकसभा सीट पर बैठा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं नैनीताल ऊधम सिंह नगर की जनता का आभारी हूं, अपने कार्यकर्ताओं का आभारी हूं कि उन्होंने फिर से मुझे एक बार सेवा करने का अवसर दिया है। मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी आदेश हमें देंगे, जो काम करना होगा, उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जो मोदी जी के प्रति अटूट प्रेम है लोगों का, अटूट विश्वास है यहाँ के लोगों का, उसी का फल है कि आज हम सभी सीटों पर आगे हैं और सभी सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। नैनीताल के जो लोग, क्योंकि तमाम बातें लेकर के आप संसद में जाते थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी होने बाकी हैं, जिसमें अजय भट्ट जी लगातार प्रयास कर रहे थे, क्या रहेगा इस बार? बिल्कुल, जो मुद्दे रह गए हैं वैसे लगभग चाहे एम्स हो, चाहे जमरानी बांध हो, ये तो लगभग पूरे हो गए। NHAI हो, NH हो, उसकी सड़कें हैं, PMGSY है, और भी कई चीज़ें हैं, नए प्रोजेक्ट जो आने हैं, उस पर पूरी उसी तरह से काम होगा जितनी ताकत से हमने पहले किया है, क्योंकि जो जनता इसके अलावा मांग उठाएगी, बात कहेगी, उसे पूरा करेंगे। वैसे हमारी राज्य सरकार ने जो राज्य स्तर से काम होते हैं, बहुत इतने अधिक काम कर दिए हैं कि मैं समझता हूँ कि कई समस्याओं का तो समाधान इसी महीने या अगले महीने तक हो जाएगा। सर, विपक्ष कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था नैनीताल सीट को लेकर, अब उन्हीं की बाजी उन पर उल्टी पड़ गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो ये भी कह रहा था कि जो अजय भट्ट जी द्वारा कई ऐसे काम है जो रह गए, क्या अब आप विपक्ष की अगर मैं बात करूँ उसमें खड़े उतरेंगे? अब विपक्ष की क्या, जनता जो कहेगी वो करेंगे। विपक्ष तो ऐसा है कि हिट एंड रन, मारो और भागो जी। उनको झूठ बोलने की एक्सपर्टीज है, जैसे कह दिया कि एक पैसा खर्च नहीं किया। मैंने उसकी सूचना के अधिकार में जो मित्रों ने लिया था, उस कागज के आधार पर नोटिस दिया चुनाव आयोग को। उन्होंने हमारे जो भाई छोटे या बड़े जो भी हैं मेरे साथ जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको नोटिस भेज के पूछा कि आपने कैसे दिया, आगाह किया कि ऐसे झूठे ब्लेम न लगाएं। तो इसलिए इस टाइप के जो बातें कहते हैं, कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। भाई, मैंने एक बाकायदा एक किताब बुकलेट छाप के आपको दी, अपनी अपील छाप के दी, जो काम किए हैं मोटे मोटे छाप के दिए हैं, तो उनको पढ़ने का समय भी नहीं देखा उन्होंने, इसलिए वो जो कहेंगे उस पर मुझे करने की आवश्यकता नहीं। हाँ हाँ, ये जरूर है, विपक्ष के मेरे भाइयों का, चाहे कांग्रेस के हों, किसी दल के हों, जो भी काम होंगे वो मुझसे कहें। जब हम जीत गए तो मैं सबका सांसद। सर, जीत का जश्न कैसे मनाने जा रहे हैं आज आप? जीत का जश्न कैसे मनाएंगे? आपके साथ है, मैं ये बयान दे ही रहा हूँ, आपके साथ यही जश्न।